हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में समझेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन को, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। सिलेबस आपको समझा दिए थे अगले वीडियो में कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से यूनिट का स्टडी करना है। तो उसमें आपको बताया गया था कि जो फर्स्ट यूनिट है वो क्या है, रिप्रोडक्शन, यानी इस यूनिट में रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना है। और इसमें चार चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल प्लांट, और इसके अलावा ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो तीसरा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि मानव जनन, मानव में जनन किस प्रकार से होता है और जनन से संबंधित कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी नर जनन तंत्र। ठीक है, नर में जो जनन तंत्र है वो कितने आर्गन से बना होता है, उनकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, उनकी उनका फंक्शन क्या होता है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, पहली चीज तो ये है कि जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करता है। अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने का मतलब यह है कि अपने जाति के जीवों को वो उत्पन्न करता है और अपने प्रजनन की प्रक्रिया को बढ़ाता है, अपने जीवों की जो अपनी जातियों की संख्या है उसको इंक्रीज करता है। तो वो प्रक्रिया किसके माध्यम से संभव होती है, रिप्रोडक्शन के माध्यम से संभव होती है। तो रिप्रोडक्शन किसी भी जीव के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। अब यहाँ पर हमको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मालूम होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव आर्गन की आवश्यकता होती है और उन्हीं रिप्रोडक्टिव आर्गन के माध्यम से ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसमें मेन रिप्रोडक्टिव आर्गन क्या है, तो ये आपको याद रखना है कि जो मेल का जो रिप्रोडक्टिव आर्गन है वो क्या होता है, टेस्टिस होता है, TES। जब हम दोनों टेस्टिस की बात करते हैं तो TES लिखते हैं, और अगर हम एक टेस्टिस की बात करते हैं तो TIS लिखा जाता है। पहली चीज तो यह है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो पेल्विक रीजन में ये प्रेजेंट होता है। पेल्विक रीजन का मतलब ये होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं, पेल्विक का मतलब होता है श्रोणि, यानी श्रोणि रीजन जो होता है वहीं पर ये सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो कई आर्गन से मिलकर बना होता है, यानी जैसा कि आपको मालूम ही है कि कई आर्गन आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, तंत्र बनता है, सिस्टम बनता है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी कई आर्गन क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, तो पहला जो मेन है वो क्या है, टेस्टिस। दूसरा क्या है, एसेसरी डक्ट, यानी कि कुछ सहायक नलिकाएं होती हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड होती हैं। इसके अलावा पेनिस, इसको हिंदी में हम सिस्टम कहते हैं, और इसके अलावा ग्लैंड, कई ग्लैंड होती हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड होती हैं। तो प्रत्येक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिस की, कि टेस्टिस क्या होता है, उसका जो है मॉर्फोलॉजी क्या होता है। तो टेस्टिस की अगर हम ओरिजिन की बात करें कि जो टेस्टिस की उत्पत्ति है वो जनन स्तर, किस जनन स्तर से हुई है, तो आपको याद रखना है कि जो टेस्टिस की ओरिजिन है वो कहाँ से हुई है, वो मीसोडर्म से हुई है। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि जो मानव है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म से बना है। तो मीसोडर्म से क्या, किसकी ओरिजिन हुई है, टेस्टिस की ओरिजिन हुई है। अगर इसके आकार की बात करें, शेप की बात करें, तो आकार इसका कैसा होता है, अंडाकार होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ओवल शेप्ड। ठीक है, टेस्टिस का आकार कैसा होता है, अंडाकार, एग लाइक होता है। अगर हम साइज की बात करें तो इसकी जो लेंथ होती है वो 4 to 5 centimeter, ठीक है, 4 to 5 centimeter क्या है, लेंथ है, और इसका डायमीटर कितना होता है, 2 to 3 centimeter, यानी 2 से 3 centimeter क्या होता है, व्यास होता है। तो इसकी लेंथ अलग है, 4 से 5 centimeter क्या है, लंबाई, और इसकी जो व्यास है वो कितना है, 2 से 3 centimeter इसका व्यास होता है। अगर हम टेस्टिस के कलर की बात करें, इसका कलर कैसा होता है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि ये पिंक कलर का होता है, गुलाबी कलर का होता है। पोजीशन की हम बात करें कि टेस्टिस का पोजीशन कहाँ होता है, तो दोनों टेस्टिस, यहाँ पर देखिए TES TIS, यानी कि एक एक टेस्टिस की बात कर रहे हैं, दोनों टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर
स्क्रोटम सैक में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि मानव में जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी में ना होकर एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है, और किसमें ये जमा होते हैं कि मतलब किसके अंदर पैक होते हैं, तो स्क्रोटम सैक, इसको हिंदी में कहते हैं वृषण कोश, ठीक है। जिसके अंदर वृषण पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वृषण कोश कहते हैं। तो टेस्टिस मानव में कहां है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मानव में जो टेस्टिस है, जैसे एलिफेंट में तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही होता है, तो मानव में टेस्टिस बाहर क्यों होता है? इसलिए टेस्टिस बाहर होता है क्योंकि टेस्टिस में क्या बनता है, स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं, और शुक्राणुओं के फॉर्मेशन के लिए हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे 2 से 5 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए, 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होना चाहिए, तभी शुक्राणुओं का फॉर्मेशन हो सकता है। तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर टेस्टिस बॉडी के अंदर रहेगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसीलिए जो है टेस्टिस हमारे बॉडी से बाहर होता है, जिससे वो अपना टेम्परेचर जो है मैनेज कर सके और स्पर्म का फॉर्मेशन कर सके। टेस्टिस का डेवलपमेंट एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है, यानी कि इसका मतलब बाहर तो होता है लेकिन जो टेस्टिस का डेवलपमेंट है यानी कि टेस्टिस का जो विकास है वो एब्डोमिनल कैविटी में ही होता है। लेकिन किस दौरान होता है, गर्भावस्था के दौरान, मतलब जब गर्भ में बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उस बच्चे के एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। बाद में बाहर निकलता है, कब निकलता है, लेकिन गर्भ के 7th माह में यह स्क्रोटम सैक में आ जाता है, ठीक है। मतलब टेस्टिस का जो डेवलपमेंट है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है, लेकिन 7वें माह में ये टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी से बाहर निकल कर किसमें आ जाता है, स्क्रोटल सैक यानी वृषण कोश में आ जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर। टेस्टिस को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर, क्यों, क्योंकि ये एब्डोमिनल कैविटी की कहां होता है, बाहर होता है। अब हम कुछ विशेष पॉइंट की बात करेंगे, जैसे यहां पे देखिए नोट हमने डाला है, यानी यहां से कुछ स्पेशल पॉइंट है, जैसे एक टर्म है क्रिप्टो आर्किडिज्म, ठीक है। क्रिप्टो आर्किडिज्म ये कंडीशन क्या होता है, तो देखिए यहां पे लिखा गया है टेस्टिस का वृषण कोश में ना उतरना ही क्या कहलाता है, क्रिप्टो आर्किडिज्म कहलाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्रिप्टो आर्किडिज्म को लेकर। तो क्रिप्टो आर्किडिज्म का मतलब क्या होता है कि जब टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम सैक में नहीं आता है तो इस अवस्था को, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, क्रिप्टो आर्किडिज्म कहते हैं। दूसरा क्या है, कैस्ट्रेशन। अब ये कैस्ट्रेशन क्या होता है, तो कैस्ट्रेशन का मतलब होता है वृषण नाशन, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनके हम टेस्टिस को नष्ट कर देते हैं उसको काट के बाहर निकाल दिया जाता है, इसको हम कहते हैं वृषण नाशन। जैसे आपने देखा होगा खेत में जो बैल काम करते हैं उनके टेस्टिस को जो है नष्ट कर दिया जाता है, उनके वृषण को नष्ट कर दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, इसलिए कि उस बैल के उग्रता को समाप्त करने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि टेस्टिस के अंदर एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। तो ये जो टेस्टोस्टेरॉन होता है ये जीवों को उग्रता प्रदान करता है, ठीक है। तो उनके टेस्टिस को नष्ट कर देने से टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित नहीं हो पाता है और उसकी उग्रता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये कंडीशन वहां पे लागू होता है। इसके अलावा रेड बैट ऊटर, ऊटर का मतलब होता है उदबिलाव। रेड बैट ऊटर में टेस्टिस वृषण कोश में केवल जनन काल में ही उतरते हैं। रेड बैट ऊटर्स में टेस्टिस वृषण कोश में केवल जनन काल के दौरान ही उतरते हैं, यानी कि जब जनन काल नहीं होता है तो ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है, लेकिन जब इनको जनन करना होता है तो इनका टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में शुक्राणुओं को बनाने के लिए उतर आता है। इसके बाद में व्हेल, एलिफेंट,
सील, डॉल्फिन, इन सभी एनिमल्स में टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही होता है, यानी कि इनके टेस्टिस बाहर नहीं होते हैं, इनके जो इन एनिमल्स के जो टेस्टिस हैं वो उदर गुहा के अंदर ही होते हैं और उसके अंदर ही शुक्राणुओं का फॉर्मेशन यानी कि स्पर्म का निर्माण, स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा वृषण कोष उदरीय गुहा में, यानी जो वृषण कोष है जिसके अंदर टेस्टिस होता है, वृषण होता है, उसको हम वृषण कोष कहते हैं। वृषण कोष उदरीय गुहा में सकरी नलिका द्वारा जुड़ा रहता है जिसे वृक्षण नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्षण नाल। मतलब यह है कि वृषण कोष और उदरीय गुहा, जिसे मान लेते हैं ये उदरीय गुहा है और ये वृषण कोष, तो ये वृषण कोष और उदरीय गुहा के बीच में एक डक्ट होती है, नलिका होती है, जिसके द्वारा वृषण जो है उदर गुहा से जुड़ा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये उदर गुहा हो गया और ये क्या है, टेस्टिस। तो ये एक डक्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, वृक्षण नाल के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं इंज्यूनल कैनाल, इंज्यूनल कैनाल के नाम से जानते हैं, वृक्षण नाल के नाम से जानते हैं। तो टेस्टिस और उदर गुहा को जोड़ने वाली जो नलिका होती है उसको हम क्या कहते हैं, वृक्षण नाल के नाम से जानते हैं। इसके बाद में अगला जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि वृषण कोष में दो प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो स्क्रोटम सैक है या इसको हम स्क्रोटम कहते हैं, तो उसमें कितने प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं, दो प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी मसल्स होती हैं? तो पहला क्या है, क्रीमास्टर, और दूसरा क्या है, डार्टॉर्स मसल्स। क्रीमास्टर और डार्टॉर्स मसल्स, दो प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है, तो क्रीमास्टर और डार्टॉर्स मसल्स का मतलब ये है कि ये टेस्टिस की पोजीशन को चेंज करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ठंडक का मौसम है, जब ठंडी होती है, टेम्परेचर डाउन होता है, तो टेस्टिस को टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर क्या है, डाउन है। तो टेस्टिस जो है वो उदर गुहा के पास में सिकुड़कर उदर गुहा के पास में चला जाता है। ये कैसे होता है, ये क्रीमास्टर मसल्स के माध्यम से होता है। जब गर्मी का मौसम होता है तो बॉडी का टेम्परेचर वैसे भी ज्यादा होता है, बाहर का भी टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो बॉडी, हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो नियत होता है, लेकिन बाहर का जो टेम्परेचर ज्यादा है, तो अगर वो हमारे बॉडी के संपर्क में टेस्टिस रहेगा तो स्पर्म बनाने में दिक्कत होती होगी। इसलिए गर्मियों के दिनों में जो टेस्टिस होता है वो उदर गुहा से दूर रहता है। तो वो किस किस के माध्यम से, किस मसल्स के माध्यम से वो दूर जाता है, डार्टॉर्स मसल्स के माध्यम से। ठीक, तो ये दोनों प्रकार की जो पेशियां होती हैं वो टेस्टिस के पोजीशन को चेंज करने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। इसके अलावा वृषण के अंदर बहुत सारी पतली पतली नलिकाएं पाई जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कहते हैं, यानी कि शुक्रजन नलिका, हिंदी में क्या बोलते हैं, शुक्रजन नलिका। तो बहुत सारी जो है पतली पतली नलिकाएं पाई जाती हैं, जिसको हम सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स या शुक्रजन नलिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है ये टेस्टिस की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जैसे किडनी में आप पढ़े थे नेफ्रॉन बहुत सारे पतले पतले होते हैं, उसी तरह टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स बहुत सारे पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए एक डायग्राम बनाया गया है, ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है और इससे एसोसिएटेड जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम एपिडिडाइमिस के नाम से जानते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं अधिवृषण। ठीक है, तो ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है और ये क्या है, ये अधिवृषण का संरचना है। दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड है, तो इसलिए हमने दोनों को साथ में बनाया है। पहले आप फिगर समझ लीजिए, देखिए टेस्टिस के बाहर एक आवरण होता है जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। ठीक है, क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। कहाँ होता है, टेस्टिस के बाहर होता है, बाहर का आवरण होता है, जिसको हम ट्यूनिका एल्ब्यूजिना के नाम से जानते हैं। इसके अलावा टेस्टिस के अंदर बहुत सारे पालियां पाई जाती हैं, बहुत सारे लोब्यूल्स पाए जाते हैं, इन पालियों को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अगर आपसे पूछा जाए कि एक टेस्टिस में जो वृषण पालियां होती हैं, जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखना है कि इनकी संख्या 250 होती है। तो नर में टेस्टिस कितना होता है, दो होता है, तो 250 प्लस 250 कितना हो गया, 500, यानी दोनों टेस्टिस को मिलाकर नर में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स यानी कि वृषण पालियों की संख्या कितनी होती है, 500 होती है। ठीक है, प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर यानी कि प्रत्येक वृषण पालियों के अंदर तीन पतली पतली नलिकाएं पाई जाती हैं। इन नलिकाओं को हम क्या बोलते हैं,
सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के नाम से जानते हैं। प्रत्येक पाली में कितनी संख्या होती है? तीन होती है। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की संख्या कितनी है? 250, और प्रत्येक में सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कितना है? तीन। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 250 गुणे तीन कितना हो जाएगा? 750। ठीक है, यानी कि एक टेस्टिस में सेमिनिफेरस टिब्यूल्स की कुल संख्या कितनी होती है? 750 होती है। तो दोनों टेस्टिस की बात करेंगे, आप उसको जोड़ सकते हैं। एक टेस्टिस के अंदर कितनी संख्या होती है? 750 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये अब इसके अलावा क्या है कि ये जो नलिकाएं हैं प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जो पतले पतली नलिकाएं होती है, ये आगे बाहर निकलने के लिए एक जाल बना लेती हैं। ठीक है, उस जाल को हम कहते हैं रेटे टेस्टिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रेटे टेस्टिस, या इसको हिंदी में कहते हैं वृषण जालक। ठीक है, ये वृषण जालक आगे चलकर एक मोटी डक्ट में चेंज हो जाती है, और इस डक्ट को हम क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी, क्योंकि इन्हीं वाहिनियों की मदद से शुक्राणुओं का क्या होता है? वहन होता है, शुक्राणुओं का ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसीलिए कहा गया है शुक्रवाहिनी कहा गया है। और टेस्टिस के बाहर जो ये आप संरचना देख रहे हैं, ये एपिडिडाइमिस है, जिसको हम हिंदी में अधिवृषण कहते हैं। यहाँ अधिवृषण के कितने भाग होते हैं? अधिवृषण के तीन भाग होते हैं। कौन कौन सा भाग होता है? जो इसका शीर्ष भाग होता है उसको हम कैपुट कहते हैं, जो इसका मिडिल पार्ट होता है उसको कार्पस कहा जाता है, और इसका जो लोअर पार्ट होता है इसको हम कार्डा के नाम से जानते हैं। टेल वाला रीजन क्या होता है? कार्डा के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो एपिडिडाइमिस है, अधिवृषण है, वो वृषण से जुड़ा होता है। इसके कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। इसके कौन कौन सा भाग? कैपुट, कार्पस और कार्डा, इसके थ्री पार्ट होते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बीच बीच में अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स जो है, तो एक सेमिनिफेरस टिब्यूल्स और दूसरे सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बीच में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको हम कहते हैं इंटरस्टिटियल सेल या अंतराली कोशिकाएं के नाम से जानते हैं, या इसको हम लेडिक सेल भी कहते हैं। ठीक है, इंटरस्टिटियल सेल को हम जो है लेडिक, LEYDIG, लेडिक सेल के नाम से भी जानते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव करती हैं। ठीक है, जो लेडिक सेल या इंटरस्टिटियल या अंतराली जो कोशिकाएं होती हैं, ये क्या करती हैं? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स को क्या करती हैं? स्रावित करती हैं। ये इसका फंक्शन होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं वृषण कोष में एक लिगामेंटस कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसके द्वारा टेस्टिस स्क्रोटम सैक के अंदर क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे मान लेते हैं ये क्या हो गया, ये वृक्षण नाल हो गया, और यहाँ पर इसके लोअर पार्ट से क्या जुड़ा हुआ है? टेस्टिस जुड़ा हुआ है। तो स्क्रोटम सैक और टेस्टिस के बीच में, ठीक है, यहाँ पर देखिए एक चैम्बर बना है, इसमें टी लिखा है हमने, कैपिटल टी, इसका मतलब ये क्या है? टेस्टिस। ठीक है, और ये क्या है? स्क्रोटम सैक, ये क्या है? स्क्रोटम सैक, यानी कि वृषण कोष। तो टेस्टिस और वृषण कोष के बीच में, ठीक है, लिगामेंटस कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं गुबर्निकुलम। इस पॉइंट को आप माइंड में रखेंगे, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गुबर्निकुलम क्या है? लिगामेंटस कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या काम करता है? ये टेस्टिस को स्क्रोटम साइट के अंदर क्या करता है? इसको फिक्स करता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? गुबर्निकुलम के नाम से जानते हैं। तो अगले वीडियो में हम जो है टेस्टिस के और डिटेल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।